दोस्तों आईपीएल 2022 में नीलामी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हर किसी का ध्यान अपनी अपनी पसंदीदा टीम के खिलाड़ियों के बारे में जानने पर है। लगभग सभी टीमों ने अपनी स्क्वाड क्षमता को पूरी तरह से भरा है। हालांकि ये मेगा ऑक्शन थी और इस बार दावेदारी में 10 टीमें थी, फिर भी चेन्नई सुपर किंग्स जैसे सबसे सफल फ्रेंचाइजी ने अपने कई खिलाड़ियों को फिर से खरीदने में सफलता हासिल की। इस नीलामी की सबसे खास बात ये रही कि चेन्नई सुपर किंग्स ने पहली बार किसी खिलाड़ी पर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। सीएसके ने तेज गेंदबाज दीपक चाहर के लिए 14 करोड़ रुपए लुटाए और उन्हें धोनी से भी महंगा बना दिया। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2022 नीलामी बेहद रोचक रही। शुरुआत में काफी देर तक फ्रेंचाइजी ने खिलाड़ियों को खरीदने में अनिच्छा दिखाई और फिर जब ड्वेन ब्रावो, अंबाती रायडू, रॉबिन उथप्पा जैसे अपने पुराने खिलाड़ियों के नाम देखे तो उन्हें हासिल करके ही दम लिया। इसके अलावा फ्रेंचाइजी ने शिवम दुबे जैसे भारतीय ऑलराउंडर पर 4 करोड़ खर्च किए तो अंडर 19 विश्व कप जीतने वाली राजवर्धन हंगरगेकर को भी खरीद लिया। हालांकि टीम ने अपने सबसे सफल बल्लेबाज सुरेश रैना पर इस बार बोली नहीं लगाई और वह बिना किसी टीम के ही रह गए और इसी वजह से कप्तान धोनी टीम के मालिक एन श्रीनिवासन से काफी नाराज हो गए। दोस्तों आपको इंडियन प्रीमियर लीग के सफल बल्लेबाजों में से एक सुरेश रैना, जिनको मिस्टर आईपीएल जैसे नाम से लोग बुलाते हैं, उनको इस बार के मेगा ऑक्शन में कोई खरीदार नहीं मिला। पहले दिन उनको किसी भी टीम ने खरीदने में रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद दूसरे दिन आखिर के सेट में उनको फिर से शामिल किया गया। इस बार भी उनको किसी फ्रेंचाइजी टीम ने रैना को खरीदने में रुचि नहीं दिखाई। अब चेन्नई ने अपने कई पुराने खिलाड़ियों को साथ जोड़ा लेकिन रैना पर बोली नहीं लगाई। नीलामी में अनसोल्ड रहने के बाद उनके लिए टीम ने एक संदेश जारी किया। सीएसके ने रैना के मेगा ऑक्शन में नहीं चुने जाने पर अपना संदेश जारी कर इस धुरंधर को शुभकामनाएं दी। चिन्ना थाला, आपने जो हम सभी को येलो मेमोरी दी उसके लिए आपको सुपर थैंक्स। लेकिन दोस्तों अपने पुराने दोस्तों को नहीं खरीदे जाने पर धोनी अपने टीम से नाराज हो गए। धोनी ने कहा, रैना ने हमारी टीम के लिए काफी कुछ किया है, हमें कई मैचों में उन्होंने जीत दिलाई है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए और आज जब उसकी हमारी जरूरत है तो हमें उन्हें साथ में लेकर चलना चाहिए था। मतलब दोस्तों धोनी ने इशारों ही इशारों में टीम के मालिक को साफ संदेश दे दिया है कि रैना को टीम में ना लेकर बड़ी गलती कर दी है। अब देखना है धोनी को मनाने के लिए चेन्नई की टीम रैना को वापस लेकर आती है या नहीं। दोस्तों नीलामी से पहले रिटेंशन में चेन्नई ने कुल 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया था, रविंद्र जडेजा, MS धोनी, मोइन अली और ऋतुराज गायकवाड़। इस बार फ्रेंचाइजी ने कुल 21 खिलाड़ियों को खरीद कर 25 खिलाड़ियों की पूरी क्षमता का स्क्वाड तैयार किया। इसके बाद भी टीम के पास 2,95,00,000 की अच्छी खासी रकम बच गई है, मतलब रैना अभी भी टीम में शामिल हो सकते हैं। वही बात करें चेन्नई की पूरी नई टीम की तो रविंद्र जडेजा, MS धोनी, मोइन अली, ऋतुराज गायकवाड़, दीपक चाहर, अंबाती रायडू, ड्वेन ब्रावो, शिवम दुबे, रॉबिन उथप्पा, एडन मिलने, मिचेल सैंटनर, क्रिस जॉर्डन, ड्वेन प्रिटोरियस, डिवॉन कॉनवे। तो दोस्तों इन बड़े खिलाड़ियों पर चेन्नई ने इस बार दाव लगाया है। तो आप कमेंट करके बताएं क्या चेन्नई की टीम इस बार आईपीएल में अपना दबदबा बनाने में सफल हो पाएगी। अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।